नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दर्पण और आप देख रहे हैं आईबीन 24 न्यूज़। दोस्तों इस समय हेडमास्टर सैलून में मौजूद हैं जो कि सेक्टर 13 में है, और कल आपने एक खबर देखी होगी जिसके अंदर बताया जा रहा था कि जो हेडमास्टर सैलून के जो ऑनर हैं उनके ऊपर आरोप लगते हुए नजर आ रहे थे, और यहाँ पर जो है बता रहे थे कि जो उस जगह के लैंडलॉर्ड हैं परवीन, वो यहाँ पर जो है आरोप लगाते नजर आ रहे थे कि 42 लाख रुपए का जो किराया है वो उन्होंने नहीं चुकाया है, और उसको लेकर वो खासे परेशान थे और यहाँ पर धरना प्रदर्शन भी जो है बाहर वो कर रहे थे एक संस्था के साथ। लेकिन आज वहीं पर हम पहुंचे और हमारे साथ में भारत जी हैं, तो उनसे बात करते हैं, भारत सचदेवा जी से, कि आखिर क्या है, किस तरीके से जो है ये किराया नहीं दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर आरोप जो है परवीन वो लगाते हुए नजर आ रहे थे। तो एक बार बात करते हैं भारत जी से। भारत जी क्या कहना चाहोगे, कल आपने सारी खबर तो देखी होगी सारा आपने, तो क्या इस बारे में आप क्या अपनी सफाई पेश करना चाहते हैं कि किराया भी बता रहे हैं 4 साल से नहीं दिया है, फिर उसमें यह भी आरोप उन्होंने लगाया कि आपने बिजली का जो यहां पर कनेक्शन है वो भी हस्ताक्षर नकली करके आपने उसे वो किया है, तो काफी समय से, और वो कह रहे हैं कि आप उसे छोड़ भी नहीं रहे हो, आपका एग्रीमेंट भी जो है जुलाई में खत्म हो चुका है, तो क्या क्या आप क्या क्या बताना चाहेंगे इस पे? सर ऐसा है, मैंने इनसे बिल्डिंग ली थी रेंट पे 9 जुलाई 2012 में। जी, इनको मैं हर मंथ अपना इनको रेंट मैंने पूरा प्रॉपर दिया है, ऐसा नहीं है मैंने कोई भी मंथ में इनका कोई रेंट नहीं रोका, बिल्कुल भी, इनको प्रॉपर रेंट हमारी तरफ से गया हुआ है, हमने इनका कुछ भी नहीं देना। रही बात ये जो दूसरी बिजली बिल की बात करते हैं, इन्होंने मेरे नाम के झूठा केस वहाँ पे दिया हुआ है, 420 लगवाई मेरे ऊपर जिसमें मुझे बेल मिली हुई है। ये कहते हैं कि इनकी बिल्डिंग के ऊपर मैंने अपने नाम से मीटर लगवाया हुआ है जो कि इन्हीं के नाम से चल रहा है, और मेरा पूरा अपडेट है, मैंने बिल पूरा टाइमली पे किया हुआ है, मैंने ना तो इनका कुछ देना है और ना मैंने कोई बिजली बोर्ड का कुछ देना है। उनका मेरा एक इशू चल रहा है बिजली बोर्ड के साथ, जो उन्होंने मेरे मीटर में रीडिंग जो ज़्यादा दी हुई थी उसके रिगार्डिंग मैंने केस डाला हुआ, वो मेरा केस चल रहा है, वो इनका कोई भी मैटर नहीं है उसमें। इनको मैंने ये बोला जून में कि सर मेरा नेक्स्ट मंथ में मेरा जो रेंट एग्रीमेंट है वो कंप्लीट हो रहा है, तो मैं उसको वाइंड अप करना है, मैंने सलून को मैंने नहीं चलाना। ये मेरे को बार बार प्रेशराइज कर रहे थे कि आप इसको रिन्यूअल करवाओ, मैंने कहा नहीं मैंने रिन्यूअल नहीं करना, मैंने इस काम को वाइंड अप करना है क्योंकि मेरे पास और बहुत बिजनेस हैं, ये बिजनेस मैंने अपनी वाइफ को ही बना के दिया था, अब उसका मन नहीं है ये काम करने का, तो मैं सर उस चीज़ को फोर्स थोड़ी ना कर सकता हूँ किसी को भी, तो मैं इस काम को वाइंड अप करना चाहता हूँ। मैंने इनको बोला मैंने अपना सामान भी बेचना है, तो मुझे थोड़ा सा टाइम दे दिया जाए और अपना रेंट एग्रीमेंट जो है हमारा ख़त्म हो रहा है, मैंने रिन्यूअल नहीं करवाना। तो मुझे पता लगता है कि इन्होंने मेरे ऊपर 2 झूठे केस लगाए हुए हैं। मैंने इनसे रिक्वेस्ट करी पर्सनली जाके, इनको मैं 3-4 बारी मिला, मैंने कहा भैया जी अपने अपने केस उठाओ और मैं सलून को खाली करना है, मैंने बिल्डिंग पे कोई कब्जा नहीं करना, बाद में आप कल को ये कहो कि मैं सलून पे बिल्डिंग पे कब्जा कर रहा हूं, मेरे पास भगवान की दया से बहुत प्रॉपर्टी है, कोई ऐसी बात नहीं है, किसी चीज़ में मेरे को फाइनेंशियली कोई दिक्कत नहीं है। उसके बावजूद इन्होंने मेरे ऊपर केस डाले हुए हैं, झूठे आरोप लगाते हैं, कल मीडिया को लेके यहाँ पे आ गए, किसी ने मेरे से ये नहीं पूछा कि सर आपकी बात क्या है क्या नहीं है, सीधा ही आगे रिपोर्टिंग करनी शुरू कर दी। थे नहीं यहाँ पे आपके जो स्टाफ, मैं जिस टाइम तक पहुंचा किसी ने भी मुझे कॉल करने की कोशिश भी नहीं करी, मेरे स्टाफ ने कहा जब मुझे फोन आया कि यहाँ पे ऐसे ऐसे मीडिया आई है, मैं स्टाफ के कह रहे हैं कि आपने फोन नहीं उठाया था, नहीं नहीं स्टाफ ने मुझे कॉल किया, मेरी वाइफ यहाँ पे पहुंच गए थे 15 मिनट में, उससे 5 मिनट के बाद मैं भी पहुंच गया, रिपोर्टिंग हमने दोनों ने इकट्ठे करी, वो न्यूज चैनल वाले दूसरे थे, आप लोग चले गए थे, आप उस टाइम तक नहीं थे, आकर्षण भैया आए थे, उन्होंने ऊपर नीचे सारी रिपोर्टिंग करी है। ये बार बार कहते हैं कि हम नीचे, इन्होंने क्रिकेट गोडाउन बना लिया अपना, यहाँ पे क्रिकेट अपना खेलते हैं यहाँ पे, और जो कि नीचे हमारा प्रॉपर फर्नीचर वैसे ही लगा हुआ है, हमने उसमें कुछ चेंजेस नहीं करे। कोरोना के बाद ये है कि हमने नीचे का काम वाइंड अप इसलिए किया क्योंकि उस टाइम पे हमारे पास क्लाइंटेज कम है, क्लाइंटेज जो थोड़ी बहुत ही आती है हम ऊपर ही उनकी सर्विस करवा लेते हैं, कस्टमर को हमने सर्विस में किसी चीज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं आने दी किसी भी चीज़ के लिए। सलून हम इतने टाइम से चला रहे हैं, 9 साल से चला रहे हैं, हमारा इतना नाम है, इन्होंने हमारा नाम मिट्टी में मिला दिया। अब मैं या मेरी फैमिली में किसी को कुछ हो जाता है उसका जिम्मेवार प्रवीण मित्तल होगा, कोई और थोड़ी ना होगा सर। वो आदमी हमारे को इतना प्रेशराइज कर रहा है, ब्लैकमेल करता है, बार बार पैसे के लिए डिमांड करता है, जेपी हमारे को इधर उधर से किसी और नंबरों से फ़ोन करता है, पता नहीं उसने पैसे लिए हैं कुछ, उसका मतलब क्या है सर हमारे पास आने का, मेरा लेना देना प्रवीण मित्तल जी के साथ है, वो मेरे पास जिस टाइम मर्जी आए, किसी और बंदे का या किसी संस्था का आने का क्या मतलब है। हमारा जब केस कोर्ट में चल रहा है तो सर थर्ड पार्टी का तो आने का मतलब ही नहीं बनता। अगर प्रवीण मित्तल जी ने मेरे से बात करनी है मेरे को पर्सनली आके मिले, मैं शाम को उनको पता है कि मैं सलून पे शाम को होता हूँ, मेरे ब्रदर यहाँ होते हैं, मेरी वाइफ यहाँ होती हैं, कल मेरे पास इतने क्लाइंट आए हुए थे सुबह के टाइम में, 3-4 क्लाइंट थे, कैमरे देखे सब भाग गए, पता नहीं क्या रिपोर्टिंग होगी क्या नहीं होगी, मेरे काम को पूरा इफेक्ट पड़ा है। कल मेरे पास सारा दिन में कोई काम नहीं हुआ सर, मेरा स्टाफ सारा घबराया हुआ है, वो हमारे से बार बार ये पूछ रहा है कि सर हम वाइंड अप कर रहे हैं,
हम कहीं और काम करें, इन्होंने मेरे को क्या मेरे स्टाफ तक को डरा दिया है। अब मैं कैसे काम करूं, यहाँ पे कैसे बैठूं। मैंने इनको इतनी बारी बोला कि सर मैंने इसको वाइंड अप करना है, आप मेरे को टाइम बताओ, ये करना ही नहीं चाहते और खुद कहते हैं कि ये मेरे से बात नहीं करता। और जो कि मैं इनके खुद पर्सनली घर पर जाता हूँ, इनको बार बार फोन करता हूँ, ये मेरा फोन नहीं पिक करते। अगर फोन पिक करेंगे कहेंगे मैं करनाल में नहीं हूँ। सर एक एक करके ना एक एक पॉइंट पे आते हैं जिस बारे में कल बात हुई है। पहले तो किराए की बात कि किराया आपने दिया नहीं, आप बोल रहे हो कि किराया आपने दिया है, तो आपके पास उसका जो है ऑफिशियल रिकॉर्ड है कि आपने किराया दिया? सर ऐसा है, हमने इनको रेंट जो देते हैं ना, इनको हमने फर्स्ट ईयर में रेंट इनको बाय चेक और अकाउंट आरटीजीएस करवाई है एक ही साल 2012 से लेके 2013 तक। उसके बाद इन्होंने मेरे को कह दिया कि एनईएफटी करवाई, क्या बता रहे हैं, एनईएफटी करवाई या चेक दे दिया इनको सर, वो दी है हमने अकाउंट के थ्रू ही पेमेंट गई है। कह रहे 2016 से नहीं दिए हैं, सुनिए तो सही सर। उसके बाद इन्होंने 2013 में मेरे को कहा कि आप मेरे को ना जितना भी मेरा रेंट बनता है आप मेरे को कैश दे दिया करो, मैं कैश ही मेरे को दे दिया करो, मेरा कोई लड़का आके ले जाया करेगा। इनका स्टाफ ही आता है सर यहाँ पे रेंट लेने के लिए, इनके स्टाफ के वाउचर साइन है हमारे पास। यहाँ पे जो भी पेमेंट होती है सर, हमारा स्टाफ यहाँ पे बैठता है आगे काउंटर पे रिसेप्शन पे, कोई ऑनर तो खुद भी नहीं बैठता कहीं पे भी, स्टाफ ही बैठता है। स्टाफ हमारे को जो हिसाब देता है वो वाउचर के हिसाब से ही देगा कि जो वाउचर उन्होंने किसी को पेमेंट करी है वहाँ पे तो वाउचर ही कटा होगा। अगर किसी हम यहाँ पे 20 रुपए भी देते हैं तो सर उसका भी वाउचर कटता है। तो रही बात उनके रेंट की, तो हम किसी को अगर इतना रेंट दे भी रहे हैं तो बिना वाउचर के तो देंगे नहीं और बिना रसीद के हम देंगे नहीं। हमारे पास टोटली सारी रसीद हैं जो हमने इनको रेंट दिया हुआ है। तो सर सबसे बड़ी बात यह है कि जो किराया है, किराया भी कोई छोटा मोटा नहीं है, आज के डेट में 90,000 रुपये का किराया जो बता रहे थे वो, तो 90,000 रुपये की रकम को आपको लगता है कि कैश आपने दे दिया, तो आपने ये चीज़ आप बता रहे हैं जैसे कि आपने कैश दिया, तो कैश में ये तो आजकल हर कोई ऑनलाइन पेमेंट करता है कि कल को मालिक मकान और किराएदार के बीच में तो कभी भी कोई जो है उतनी छोड़ सकती है। खुद ही कहते थे कि मैंने इतना रेंट उसमें शो नहीं करना है अपनी रिटर्न में, आप मेरे को कैश ही दे दिया करो, मैं अपने हिसाब से कर लिया करूंगा, क्योंकि ये बिल्डिंग वो कहते हैं खुद ही बोलते हैं। आपने इसका विरोध नहीं किया? नहीं मैंने कोई विरोध नहीं किया। ये कहते हैं कि ये बिल्डिंग मेरे 2-3 बच्चे हैं, 2 बेटियों के नाम, 1 बेटे के नाम ऐसे ऐसे हैं, मुझे उनके तीनों के अकाउंट में अलग अलग पेमेंट जमा करवा के मुझे शो करना पड़ता है, तो इसलिए आप मेरे को कैश ही दिया करो, मेरे को मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, आप जैसे मर्जी ले लो। तो आपने ये जो कैश पेमेंट दी है वो कब तक दे रखी है इनको? मैंने इनको पूरा अपडेट दिया हुआ है सर, मैंने जून तक की पेमेंट दिया, मैंने जुलाई में पेमेंट नहीं दी क्योंकि मेरे को जून में ही पता लगा था कि इन्होंने मेरे ऊपर ये केस डाले हुए हैं, 2 केस डाले हैं। तो आपके तो कोर्ट में पहले से भी केस हैं, वो जो आपने डाला था तो आपको तब नहीं लगा कि जब मुझ पर ये कोर्ट केस वो कर सकते हैं, तो मैं पेमेंट जो है वो कैश दे रहा हूँ, कल को ये भी मेरे पास सवाल उठ सकता है, तो यहाँ पर ये चीज नहीं आई आपके दिमाग सर? मैंने इनका रेंट नहीं रोका बिल्कुल भी, आप बोलो ना कैश दिया, मैं यही कह रहा हूँ कि जब इतना कुछ हो रहा था कि, लेकिन ऐसे में तो कोई भी आदमी यही कहना चाहेगा कि मैं ऑनलाइन पेमेंट करता हूँ ताकि कल को वो भी सवाल मेरे ऊपर खड़ा ना हो जाए, क्योंकि कैश पेमेंट का तो कोई आपके पास तो कोई सबूत नहीं आ कि आपने क्या पेमेंट दिया। मेरे पास जो केस की जो मुझे नॉलेज थी वो सिर्फ इसके बिजली बिल वाले केस की नॉलेज थी, मेरे को रेंट के केस की नॉलेज ही नहीं थी बिल्कुल भी कि इन्होंने मेरे ऊपर कोई रेंट का केस डाला है। जब मैंने इनको बिल्डिंग खाली करने की बात करी तब मुझे पता लगा कि इन्होंने मेरे ऊपर तो रेंट का केस भी डाला हुआ है। उसके बाद मैंने इनको 2 महीने से बिल्कुल किराया दिया ही नहीं, फिर मैंने इनको कोई रेंट नहीं दिया। मैं उसके बाद कह ही रहा हूं कि मैंने 2 महीने से कोई किराया नहीं दिया इनको। वो ये भी कह रहे हैं कि आप खाली भी नहीं कर रहे हो। खाली करने के लिए मैंने इनको 10 बार ही बोला कि सर मेरी रिक्वेस्ट है आप अपने दोनों केस उठा लो, मैं चाबी देने को तैयार हूं, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने सर मेरे पास अपनी बिल्डिंग्स बहुत हैं, मैंने तो सिर्फ एक टाइम पास के लिए अपनी वाइफ को यह बिजनेस बना के दिया हुआ है, मेरे पास अपनी प्रॉपर्टी बहुत है, अपनी प्रॉपर्टी में कोई भी काम कर लूंगा सर, मेरे को बिल्डिंग नहीं लेनी है, मैं 1,00,000 रुपए का किराया नहीं निकाल सकता यहां से, मैं क्यों लूंगा बिल्डिंग। वो तो ये कह रहे हैं कि आपने जो एक किराया नहीं दिया इसके लिए वो इतना लंबा चला हुआ है और वो शायद इसीलिए केस उन्होंने वापस नहीं लिए होंगे अपने, और वो ये भी कह रहे हैं कि आप किश्तों में पेमेंट दे दीजिए क्योंकि उन्होंने तो कहा है कि पेमेंट है नहीं, वो तो यही बोलेंगे कि आपने पेमेंट तो नहीं किया हुआ, आप बोल रहे हो मैंने कैश किया, तो ये बात कैसे साबित होगी कि आपने किराया दिया? सर एक बात तो ये कहते हैं कि मैंने, कभी कहते हैं कि मैंने 4 साल से रेंट नहीं दिया, कभी कहते हैं 2-2.5 साल से हमारा केस चल रहा है तो ये 2-2.5 साल से इन्होंने पेमेंट नहीं दी। इनको प्रॉपरली ये भी नहीं पता कि इन्होंने 2 साल मेरे से पेंडिंग है मेरा या 4 साल पेंडिंग है। ये पिछले 5 सालों का मेरे को प्रूफ दे देंगे कोर्ट में, ये कोर्ट में पिछले 5 साल का प्रूफ दे देंगे, मैं इनको अगले 4 साल का प्रूफ दे दूंगा सर कि मैंने क्या दिया इनको क्या नहीं दिया। अभी आपके 2 केस चल रहे हैं कोर्ट में? 2 केस चल रहे हैं सर, एक पेमेंट का चल रहा है और एक बिजली का मीटर का, इन्होंने जो वहां पे दिया हुआ है कि इन्होंने प्रवीण मित्तल जी के नाम का मीटर उतरवा के भारत ने अपने नाम का मीटर लगवाया जो कि सब कुछ झूठ है।
मैं जो बिल भर रहा हूँ वो मेरे पास जो बिलिंग आती है वो प्रवीण मित्तल जी के नाम की आती है, मैं उन्हीं की बिलिंग देता हूँ, उन्हीं के नाम का ही बिल पे कर रहा हूँ। उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि जो बिल्डिंग आपको दी थी उन्होंने आपको दी थी, आपके साथ उनका एग्रीमेंट हुआ था, बाद में आपने अपने जीजा जी को यहाँ बिठा दिया, उनके साथ सब एग्रीमेंट कर लिया। वो कह रहे हैं ये तो मालिक से पूछना पड़ता है इसके लिए। तो पहले ऐसा है सर, मैंने अपने जीजा जी को यहाँ पे बिठाया है क्योंकि मेरे पास और बिजनेस बहुत हैं, तो मेरे को बाकी बिजनेस देखने पड़ते हैं, तो इन बिटवीन वो मेरी हेल्प कर रहे हैं। कोई ये थोड़ी है कि मैंने उनके वो मैंने कोई कानूनी तौर पर ऐसा नहीं होता मैंने है। मैंने कोई एग्रीमेंट नहीं किया जीजा जी के साथ, अपने कोई एग्रीमेंट नहीं किया वो उनके साथ। सलून मेरा ही है, मैं और मेरी वाइफ यहाँ पार्टनर हैं दोनों जने, और मेरी वाइफ और मतलब हमारी हेल्प के लिए मेरे जीजा जी यहाँ पे सलून पे आते हैं, और हमारा कोई ये नहीं है कि मैंने उनके साथ कोई एग्रीमेंट किया हुआ है। तो आप इस पे क्या सफाई देना चाहते हैं? आपके पास फिलहाल कोई ऐसा प्रूफ नहीं है कि आपने पेमेंट उनको दिया है, क्योंकि आप जानते हैं कानूनी तौर पर तो किसी को कैश दी हुई पेमेंट का तो कोई भी रिकॉर्ड नहीं होता है। सर मैं कोर्ट में सारे सबूत दूंगा, बिल्कुल ये अपने सबूत देंगे, मैं अपने सबूत दूंगा, लेकिन जब कोर्ट में हमारी कार्रवाई चल रही है तो इन बिटवीन तो किसी को आने का मतलब ही नहीं बनता सलून में, जो इतने बंदों को लेके जो कल बंदों को लेके मेरे सलून में आए, इनका तो किसी का आने का मतलब भी नहीं बनता। कोई बात करनी थी तो ऑनर को बुला के मेरे से बात कर लेते, इन्होंने मेरे को मिलना था, चाहे चार बंदों के साथ मिलना था मेरे को बुला लेते, कहीं पे भी बुला लेते, मैंने इनको मना नहीं किया। मैंने इनको पहले भी दो तीन बार ये बोला कि सर आप अपने केस उठा लो, दो तीन बंदे और बुलाने हैं बुला लो, बेशक मेरी तरफ से भी दो तीन बंदे आ जाएंगे, आप बैठ के बात कर लो। आप कहते हो कि एक महीने का मुझे टाइम चाहिए केस उठाने के लिए, तो मैं एक महीने के टाइम के लिए मैं इन बिटवीन चाबी किसी और को दे देता हूँ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मैं सलून को लॉक करके चाबी किसी और को दे, जब आप केस उठा लोगे उन्हीं बंदों से चाबी ले लेना, आप जो अपने बंदे लाओगे मेरी तरफ से कोई दिक्कत नहीं है। तो आप ये कह रहे हैं कि वो अपने केस उठा लें तो आप जो प्रॉपर्टी उनके हवाले कर देंगे, यानी वैसे नहीं करेंगे? नहीं मैं तो सर करने को तैयार हूँ, मैं किसी चीज के लिए मना नहीं कर रहा, लेकिन मैं अपनी सेफ्टी के हिसाब से ये कह रहा हूँ ना कि सर मेरे केस उठा लो। आज ये 40 लाख कह रहे हैं कोर्ट में, कल को मेरे को कहते हैं 1 करोड़ रुपए देना है। जब ये बात कहते हैं कि इन्होंने मेरी प्रॉपर्टी मर्ज करवाई है, 1 करोड़ रुपए की ये बोलते हैं कि इन्होंने मेरी प्रॉपर्टी मर्ज करवाई है, जब इन्होंने 1 करोड़ रुपए की मेरी प्रॉपर्टी मर्ज करवा ली है तो इसका मतलब तो कोर्ट इनको रेंट दे ही देगी, मेरी प्रॉपर्टी दे देगी, फिर किस लिए मेरे से ये कल इन्होंने ये सारा हंगामा करा, मीडिया को किस लिए लेके आए यहाँ पे? जब आपने कोर्ट में से प्रॉपर्टी मेरी मर्ज करवा ली तो आप प्रॉपर्टी ले लेना मेरी, फिर मेरे को किस लिए तंग कर रहे हो? आपके पास तो रेंट पूरा ही है। बता रहे हैं कि आप अच्छी फैमिली से हैं, आपका बैकग्राउंड अच्छा है, आपके पास काफी किले जमीन भी है, फिर भी किराया नहीं भरा, तो वो इसको लेकर। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि आपके इन कोर्ट के केस को चलते हुए कितना समय हो चुका है? जो कोर्ट के केस सर, कोर्ट के केस मुझे नहीं पता कितना टाइम से चल रहे हैं, लेकिन कितने समय से चल रहे हैं मुझे नहीं पता कि कितने टाइम से चल रहा है केस। आप जाते हैं तारीख पे जाते हैं? मैं कह रहा हूं मुझे नॉलेज ही अभी पता लगी, मैंने वकील को बोला कि इन्होंने केस डाला हुआ है, वो कह रहे मैं पेपर निकलवाता हूं इनके क्या कुछ है वो, तब मैंने उनको बोला है वो अब पेपर निकलवा रहे हैं तो मैं किसकी पैरवाई करूंगा ही, मुझे नहीं पता इन्होंने प्रॉपर्टी भी मेरी मर्ज करवाई हुई है, जो कि सर मैंने इनका कुछ देना नहीं है, इन्होंने प्रॉपर्टी मेरी मर्ज करवाई है। जब ये अपनी तरफ से पूरी सेफ गेम खेल रहे हैं तो फिर मेरे पास किस लिए आए मीडिया को लेके? जब आपके पास आप कहते हो कि मैंने आपसे 42 लाख रुपया लेना है, आप 1 करोड़ की प्रॉपर्टी मेरी मर्ज करके बैठे हो, उसके बावजूद आप मीडिया को लेके या इतने बंदों को लेके मेरे पास आने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। जब कोर्ट आपको कोर्ट के ऊपर विश्वास नहीं है, उन्होंने प्रॉपर्टी आपको मर्ज करके दे दी मेरी, उसके बावजूद आप मेरे पास किस लिए आए? तो यहाँ पर जो है एक बार बात करने की कोशिश करते हैं उनकी जो वाइफ हैं भारत जी की। मैम क्या नाम है आपका? निधि। तो आप क्या कहना चाहोगे जिस तरीके से कल प्रवीण जी हैं उन्होंने ये सारे आरोप लगाए हैं, अभी हमने बात भी करी, तो सबसे बड़ा सवाल तो पेमेंट का है, 42 लाख रुपए की पेमेंट का तो सबसे पहले आता है। अब जैसे कि भारत जी बता रहे हैं कि पेमेंट जो है वो कैश में दी गई है, और कोर्ट के अंदर वो कह रहे हैं कि मुझे नॉलेज नहीं है, और वहाँ बता रहे हैं कि पहले मैंने इनको क्योंकि जैसे कि इनके ऊपर पहले 420 भी उन्होंने वो लगाकर जो है क्योंकि साइन उन्होंने बताया कि जो है नकली किए थे, तो ऐसे में जब ये सब चल रहा था तो फिर ये सवाल यहीं पर जाके अटता है कि आपके दिमाग में तब क्यों नहीं आया कि अभी से कोर्ट कचहरी हो गया तो हम पेमेंट जो है ऑनलाइन दें, क्योंकि ये कह रहे हैं मैंने पेमेंट सारा क्लियर कर रखा है और सवाल तो सारा पेमेंट का ही है। तो यहाँ पर और दूसरा ये है कि बिल्डिंग भी खाली नहीं हुई है, लेकिन पहले तो पेमेंट की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं बिल्डिंग दे दो किस्तों में दे दो, बाकी सारा अमाउंट जो है वो मुझे दो दो तीन किस्तें करके। सर आप बताइए 42 लाख बहुत छोटी रकम तो नहीं होती? अगर हम 42 लाख किसी का रखेंगे और हमें अगर हमारा खुद ही जो मालिक है वो ये बात बोल रहा है कि मुझे कैश चाहिए, मुझे RTGS या मुझे अपने इनकम टैक्स में ये सब चीज़ें शो नहीं करनी, तो हम मालिक की ही सुनेंगे ना, तो हम कैश ही देंगे, हम क्यों RTGS करें, हम भी क्यों शो करें? बट ये है कि हम प्रॉपर इनकम टैक्स में अपना शो करते हैं कि हम इतना रेंट दे रहे हैं, क्योंकि टैक्स पेयर हम भी हैं सर। जैसे अभी मेरे हस्बैंड ने ये बात बोली कि ये सिर्फ शौकिया तौर पर एक काम खोला गया था, शौक के लिए काम खोला,
इनको हमने जून में, आई थिंक 10th जून को इनको ये बात बोली गई थी कि आप अपने केस उठा लीजिए, हमें एफिडेविट दे दीजिए और आप हमसे चाबी उसी दिन ले लीजिए, हम तो 9 जुलाई का भी वेट नहीं कर रहे थे, तो हमारा केस उठा लेते, हमें चाबी दे देते। रही बात सर अगर केस नहीं उठाएंगे और हम चाबी दे दें, कल को इन्होंने कोर्ट में जाकर हमारे खिलाफ कोई और ही सबूत पैदा कर दिए, कुछ भी कर दिया, ऐसा कुछ भी कर सकते हैं, आज की डेट में ये सारे काम बहुत आसानी से हो जाते हैं, तो हम तब कहाँ जाएंगे? तब तो हमारे पास कोई प्रूफ नहीं रहेगा, ना हमारे पास ये जमीन रहेगी, ना हमारे पास ये जगह रहेगी, तो हम क्या चीज साबित कर पाएंगे? हम तो कुछ भी, निकल को हमसे 42 लाख की जगह ये 10 करोड़ मांग ले तो हम तो नहीं दे पाएंगे ना सर। इन्होंने हमारी सारी प्रॉपर्टी का यहाँ पर खुलासा करा कि इनके पास इतनी जमीन है, इनके पास इनकी दुकानें यहाँ है, हमारे घर का एड्रेस उन्होंने प्रॉपर दे दिया, इनका घर ये है और ये लोग यहाँ काम करते हैं, यहाँ रहते हैं। सर कल को कोई ऊंच नीच हो जाती है, या तो मैं ये कहूंगी कि ये हमसे सिर्फ प्रॉपर्टी के बदले में पैसा मांगने चाह रहे हैं, कि इन्होंने ये देख लिया कि इनका क्या काम है तो मैं पैसा क्यों ना मांग लूं। सर ऐसा भी तो हो सकता है ना कि मेरे से धोखाधड़ी करने के इन्होंने कह दिया कब्जाधारी हैं। सर कब्जाधारी कौन होता है जो 1 साल 10 साल 20 साल आपकी जगह पर बैठा हो? सर यहाँ सिर्फ 40 डेज हुए हैं। आपको कुल कितने समय हो गया यहाँ पर सैलून चलाते? सर 9 साल हो गए। 9 साल आपको सैलून चलाते हुए हो गए। तो आपका जब कोर्ट कचहरी हुआ था इनके साथ पहली बार, जब 420 लगाई फिर इनको जो है जमानत लेनी पड़ी, उस बात को कितने समय हो चुका है? जून में हुआ था ये इस साल की जून में हुआ है। तो तब यानी आप ये कह रहे हैं कि आपने जो कैश अमाउंट है उनको अभी तक दे दिया सारा का सारा, जून तक का कैश अमाउंट? तो आप इस चीज को कैसे प्रूफ करेंगे कोर्ट में कि आपने कैश अमाउंट दे दिया है? सर वो तो कोर्ट में होगा ना, मैं मीडिया में पब्लिकली ये चीज जाकर जोर जोर से चीख के नारेबाजी करके, मैं तो सर कोर्ट को बदनाम नहीं करना चाहती ना। अगर मेरा कोर्ट में केस चल रहा है, जुडिशियल केस चल रहा है, तो सर मैं उनकी सुनूंगी या फिर मैं इनकी सुनूंगी जो कल मेरे यहाँ पर आकर प्रदर्शन करके बैठे? कौन थे कौन नहीं थे, सर पैसा देकर आए थे या इनके कोई जान पहचान के थे? इनके साथ तो इनके अपने बेटे नहीं कल खड़े हुए थे सर जब तक मीडिया थी, तो फिर मैं कैसे भरोसा कर लूं कि ये लोग जो आए थे ये कौन थे कौन नहीं थे? मैं उनके सामने अपने सारे सबूत और अपने सारे प्रूफ क्यों रखूं जब मेरे पास कोर्ट है, मैं कोर्ट में केस लड़ रही हूँ। जब तक हमें नहीं पता था हम कोर्ट में नहीं जाते थे, जब इन्हें पता चला तो वो कोर्ट में जा रहे हैं और वो कोर्ट में केस सुन भी रहे हैं, सुनवाई भी हो रही है। वो ये भी कह रहे हैं कि जैसे बिल्डिंग फिलहाल आपके पास है, आप कह रहे हैं कि वो केस अपने वापस ले लें, तो वो कह रहे हैं कि अगर इस बिल्डिंग में अभी फिलहाल ऑफिशियली जो है वो आगे कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, अब वो कह रहे हैं इस बिल्डिंग में कल को कुछ भी हो जाता है तो उनके मेरी जिम्मेदारी आएगी। सर मेरे से आज वो मेरे केस आज उठाए और अभी के अभी चाबी ले जाए, मैं इस चीज के लिए भी तैयार हूँ। कल को मैं आज ठीक है, अभी जैसे मेरे हस्बैंड ने ये बात बोली कि आप 4 बंदे उनके रखिए 4 बंदे हमारे रखिए, मैं चाबी उनके हवाले भी कर दूंगी सर, मैं आज शटर गिरा देती हूँ। जी नहीं बताइए सर, ऐसा है ये एक फैमिली सलून है और हम इसको 9 साल से रन कर रहे हैं, ऐसा कोई गलत काम यहाँ पे ना तो पहले कभी हुआ है ना हमने कभी किया ना आगे करने देंगे। उनको पता था कि हमने ये सलून का काम करना है तभी उन्होंने हमारे को बिल्डिंग ये रेंट पे दी ना, नहीं तो ऐसे ही थोड़ी ना कोई देता है कि नीचे जो बेसमेंट है वहाँ पर क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट खेला जाता है, ये बात इन्होंने कल बोली है। कल भैया नीचे गए थे, आपके ब्रदर आए थे, उन्होंने नीचे जाके देखा है हमारा फर्नीचर एज इट इज लगा हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि हमने वहाँ से फर्नीचर कोई हटाया है, वो वैसे ही एज इट इज है जैसा फर्स्ट डे था, और वहाँ पे कोई नीचे कोई क्रिकेट नहीं खेला जाता, नीचे कोई जाता भी नहीं है क्योंकि हमारे पास कस्टमर ही कम है, हम उनको सर्विस ऊपर ही दे रहे हैं, हम नीचे सर्विस नहीं दे रहे हैं, इसलिए उसको बंद किया हुआ हमने। अभी आप कह रहे हैं कि दो केस हैं वो हम वापस जब तक लेते तब तक हम बिल्डिंग में हैं, तो एक तरीके से वो भी तो इलीगल हो जाएगा ना, क्योंकि आपका कॉन्ट्रैक्ट तो खत्म ही हो चुका है, बाद में तो केस लड़ा ही जा सकता है। सर ये खुद ही मेरे साथ अब पंचायत करना चाहते हैं, जब ये कोर्ट में इन्होंने बात डाल दी, या तो कोर्ट की बात सुन लो या पंचायत की बात सुन लो, मैं तो दोनों चीज में राजी हूं, मैंने तो नहीं मना किया किसी चीज के लिए। अगर आप पंचायत में क्या कहना चाहते हैं आपकी तरफ से? ये आज इन्होंने मेरे साथ पंचायत का इन्होंने टाइम लिया है, ये आज मेरे को शाम को इवनिंग में इन्होंने कहा है पंचायत करेंगे, अगर ये पंचायत में फैसला कर लेते हैं, आप सब आज हम लोग मिल रहे हैं, आज हम लोग मिल रहे हैं, आज शाम को कोई भी फैसला होता है तो मैं उसके लिए मानूंगा, जो पंचायत फैसला करेगी मैं माननीय हूं उस बात के लिए। जी जी। और अगर ये कहते हैं कि कोर्ट में फैसला करना है, मैं कोर्ट की बात पे भी, लेकिन उन्होंने तो मीडिया के सामने 42 लाख रुपए की बात रखी है, तो 42 लाख रुपए की बात रखना है सर, कहने को तो कोई भी कुछ कह सकता है, उन्होंने तो 42 बोला है, 50 भी बोल सकते थे, 60 भी बोल सकते थे, फिगर थोड़ी ना कोई बोली ना कि क्या पता हो सकता है कि हमारी प्रॉपर्टी और ये सब देखकर वो हमसे 42 लाख की मांग कर रहे हो। सर किसी के भी दिमाग में किसी भी वक्त कुछ भी चल सकता है। उन्होंने ये बात बोली कि इन्होंने यहाँ पर अपने जीजा जी को ज़बरदस्ती बिठाया, मतलब जीजा जी को बिठाया, उनको साथ में पार्टनर बनाया या कुछ।
सर फैमिली, अगर हम चार जनों की फैमिली है, मेरे हस्बैंड अकेले अर्न करने वाले हैं, अगर मैं नहीं टाइम दे सकती, मेरे बच्चे छोटे हैं, तो अगर हमने किसी को बोल दिया अपने फैमिली मेंबर को, जो जीजा जी तो बाद में हुए सर, वो भाई हो जाते हैं, तो अगर हमने उन्हें कह दिया कि आप यहाँ बैठ जाओ, तो इस चीज को वो तो ये कहना चाहते हैं, देखो वो भी अच्छी फैमिली से हैं, वो ये कहना चाहते कि आप कब्जा करना चाहते हैं। सर कब्जा करना होता तो फिर मैं आपके सामने क्यों आकर बैठती? करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी है। सर मैं आपके सामने क्यों बैठती? अगर मैं यहाँ कब्जा करके बैठी होती तो मैं कल मीडिया के आगे क्यों आती? जब मुझे मेरे स्टाफ का कॉल आया तो मैं अपनी अपनी बात रखने के लिए ही तो आगे आई थी। मैं भी अपने घर बैठी रहती सर, मेरा स्टाफ था, हैंडल कर लेता, नहीं कर सकता था तो शटर गिराता, स्टाफ अपने घर चला जाता। कब्जा तो वो होता है ना सर कि मैं किसी के सामने, आप मीडिया के सामने ही ना आऊं। जी 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 बताइए। ये जो कहते हैं कि हमने इनकी प्रॉपर्टी पे कब्जा करना है, इनकी तो एक ही बिल्डिंग है, हमारी शहर के अंदर 200 दुकानें हैं। ऐसा नहीं है कि हमने किसी की प्रॉपर्टी पे कोई कब्जा करना है, हमारे पास अपनी ऐसी शॉप्स कम से कम 20-25 होंगी। हम किसी की प्रॉपर्टी पे कब्जा नहीं करना चाहते सर, ना हमने कभी ये बात सोची, और हम तो पहले से ही इनको कह रहे हैं, हमने कल भी मीडिया में ये बात कही थी कि इन्होंने झूठे केस हमारे ऊपर डाले हुए हैं। जो झूठे आरोप हैं अपने, झूठे आरोप अपने वापस ले लीजिए। जो साइन वाले हैं, जो जैसे कि बता रहे हैं कि आपने साइन किया, तो आप उसको भी गलत बता रहे हैं। सर साइन मेरे नहीं है, स्टाफ ने कह रहे कि मेरे तो साइन नहीं है, साइन मेरे कॉपी करके प्रवीण मित्तल जी के साइन नहीं है उसमें। अगर प्रवीण मित्तल जी ने नहीं है, मैंने उनको बोला था मीटर चेंज करवाने, उनके स्टाफ ने ही एप्लीकेशंस लिखी हैं, उनके स्टाफ ने साइन किए हैं, मैंने कोई साइन नहीं किए, किसी पे भी मेरे कोई साइन नहीं है। अगर सर मेरे कहीं साइन होते तो मेरे को 420 पहले की लाइट वगैरह कटी थी, ऐसा कुछ हुआ था यहाँ पे सर? हमारे मीटर जल गया था, उसकी हमने कंप्लेंट दी थी, वो मीटर चेंज हुआ है, वो उसकी भी एप्लीकेशन सारी प्रवीण मित्तल जी ने थी कि पहले जो है बिजली विभाग ने जो है आपका काम नहीं किया तो आपने कोर्ट में डाला, उसके बाद जो है उन्होंने फिर आपके साथ साइन करने के ऐसा है सर। जो मैंने कोर्ट में केस डाला था वो ये डाला था कि इन्होंने मेरी रीडिंग ज्यादा दिखाई हुई थी, जो कि मेरी रीडिंग कम थी। मैंने यहाँ पे चेक मीटर लगवा के उनको रीडिंग अपडेट करवा के उन्होंने तब मेरे को ऑर्डर किए थे। इन्होंने मेरा 6 लाख रुपए का बिल बनाया था, जो कि मैंने 3 लाख रुपए कोर्ट के ऑर्डर से मैंने 3 लाख रुपए पे करके यहाँ पे मीटर लगवाया है सर। वो मेरा कोर्ट में केस पेंडिंग है, उसमें इनका कोई मैटर ही नहीं है, और कोई भी मैंने एप्लीकेशन पे प्रवीण मित्तल जी के कोई साइन नहीं किए हुए, और कहीं पर भी ये बात ये प्रूफ भी नहीं कर पाए। जो ये चाहते थे कि ये जिस चीज़ को प्रूफ करना कि मैंने इनके साइन का मिसयूज़ किया है, मैंने कहीं पे इनके साइन नहीं किए, किसी लेटर पे, किसी एप्लीकेशन पे कोई साइन नहीं किया। तो जो इन्होंने केस किराए वाला कर रखा है, इस पे आप कभी किसी तारीख पर गए हैं? इसके केस के बारे में मुझे पता ही अभी जून में लगा था कि जब उसके बाद मैंने बोला, उसके बाद कोर्ट की कार्रवाई स्लो चल रही है सर, इसमें मेरा तो कोई कसूर नहीं है। अब कोर्ट जो भी है, जो भी केस आ रहे हैं, अब उसमें डेट ही वो 5-5 तो इनसे बातचीत होती है या आखिरी बार कभी बात हुई थी या नहीं हुई थी इनके साथ? मेरी इनसे बात जून में हुई थी, जैसा कि आपको मेरी वाइफ ने बताया है कि हम 10 जून को इनके पास गए थे, हमने इनको बोला कि सर हम तो बिल्डिंग खाली करना चाहते हैं, आप अपने झूठे केस उठा लो और हम ये बिल्डिंग खाली करने को तैयार हैं, हमें नहीं रखनी बिल्डिंग। हम तो आज भी ये बात कह रहे हैं कि हमें बिल्डिंग नहीं रखनी, ना हमने कोई कब्जा करना, ना हम कोई कब्जाधारी हैं। जो कल इन्होंने हमारे पास अपनी इतनी प्रॉपर्टी है तो हम किसी की बिल्डिंग पे क्यों कब्जा करेंगे? हम किसी का हक नहीं मारेंगे सर। तो अभी फिलहाल आज बता रहे हैं मीटिंग होनी है शाम को, तो क्या बात हुई थी इस मीटिंग के लिए? आपकी कोई बात हुई है इनसे, प्रवीण जी से हुई, किससे हुई? इन्होंने प्रवीण जी ने ही टाइम लिया है, मैंने 13 सेक्टर चौकी में बात करी थी, इन्होंने खुद ही टाइम लिया शाम को कि मैं मिलना चाहता हूँ, तो मैंने भी ये बोला, उनका रिकॉर्ड किया मैंने कि भाई मैं मिलूंगा जरूर, ये 2-3 बंदों के साथ मुझे मिलना चाहते हैं, मैं भी मिलूंगा इनसे। कहीं और मिल रहे हैं हम लोग? 13 सेक्टर चौकी में ही मिलेंगे आज। हाँ जी, मिलना है आज हमने, उसके बाद जो भी फैसला होगा पंचायत का मैं मान्य हूँ इस बात के लिए। तो यहाँ पर जो है फिलहाल आज बता रहे हैं कि पंचायत बैठेगी, यानी आपस में भी बैठ कर जो है इस बारे में बात की जाएगी। जैसे कि प्रवीण जी ने कल आरोप लगाए थे कि 42 लाख रुपए का किराया है और उसे जो है इन्होंने दिया नहीं है, तो यहाँ पर हमने बात की है, लेकिन उनका कहना है कि इन्होंने कैश अमाउंट दिया हुआ है, और कैश अमाउंट के बारे में फिलहाल उनका कहना है कि रिकॉर्ड उनके पास फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन कोर्ट में वो जो है उसे ज़रूर दिखाएंगे कि किस तरीके से वो उसे प्रूव करते हैं। और यहाँ पर जो है बिल्डिंग की बात करें तो बिल्डिंग के बारे में भी यही कहते नजर आ रहे हैं कि बिल्डिंग वो छोड़ने को तैयार हैं, बशर्ते कि उनके जो केस हैं वो वापस ले ली जाएँ। तो लोगों से पहले इस खबर को जितना हो सके शेयर जरूर करें, फिर से जुड़ेंगे आईबीएन 24 के ऊपर, तब तक के लिए जय हिंद। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।